देख रहे हैं अंबर टाइम। मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में कलेक्टर का रुख आमजनों के लिए संवेदनशील नजर आता है, जो तत्काल मदद के लिए तैयार रहते हैं। जनसुनवाई में कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा ग्राम भदवासा के 75 वर्षीय दृष्टिहीन बुजुर्ग नागुलाल मिले और अपनी समस्या बताई। कलेक्टर ने दिव्यांग को प्रमाण पत्र बनाने के लिए तहसीलदार ऋषभ ठाकुर के साथ तहसीलदार की गाड़ी में जिला चिकित्सालय भेजा। उप संचालक सामाजिक न्याय श्रीमती संध्या शर्मा को बुजुर्ग का आधार बनाने और तत्काल वृद्धावस्था पेंशन चालू करने के निर्देश दिए। इधर ग्राम इसरथुनी की रहवासी महिला रेखा धाकड़ पहुंची और पति को कैंसर होने और उपचार खर्च नहीं होना बताया। कलेक्टर ने तत्काल महिला को 15,000 रुपए का चेक जन सुनवाई में ही सौंपा। रेखा धाकड़ ने बताया, मेरे हस्बैंड के मेरी आर्थिक स्थिति और हस्बैंड के इलाज के लिए सहायता राशि लेने के लिए। कलेक्टर साहब ने क्या दिया और किस तरीके से आपने? उन्होंने अभी फिलहाल में 15,000 की सहायता राशि दी और आगे उन्होंने कार्रवाई की। क्या बीमारी है आपके हस्बैंड को? क्या कैंसर, बेड रेस्ट पे, बेड पे रहते, चलते फिरते नहीं है। किस जगह के रहने वाले आप? सर क्या नाम है? रेखा दा। और क्या कुछ कहा कलेक्टर साहब ने? कागज बना कर आगे निकालने के लिए आगे सुनवाई करें। कितने टाइम से परेशानी है? 9 महीने से इलाज चल रहा है। जन सुनवाई में कलेक्टर तो आने वाली हर जन समस्याओं को सुनकर तत्काल समाधान करते हैं, लेकिन कलेक्टर विभागीय अधिकारियों का अमला अपने मोबाइल फोन में ही व्यस्त रहता है। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने बताया, आज की जो सुनवाई थी वो जन सुनवाई थी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वपूर्ण योजना है जन सुनवाई, उसी के तहत हम कार्रवाई करते हैं। आज हमारे वहाँ भदवासा के एक बुजुर्ग आए थे जिनकी आँखों से उनको दिखता नहीं है, तो दिव्यांग जन का प्रमाण पत्र प्राप्त करना, उसके बाद आधार कार्ड बनवाना और पेंशन जैसी चीज़ों की उन्होंने मांग की थी, हमने तत्काल उसका त्वरित निराकरण भी किया है और सभी ऑफिसर को उनके साथ भेज के उनके प्रमाण पत्र और उनके जो भी आधार कार्ड इत्यादि बनाने की हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। वो शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है उसके अनुसार उनको सभी को योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा एक और महिला आई थी रेखा मैडम धाकड़ नाम की, उनके पति घर पे बिस्तर पे रहते हैं और कैंसर के मरीज हैं, तो कुछ आर्थिक सहायता की उन्होंने बात की थी तो उसको भी हमने महिला जो आई थी सम्माननीय, तो हमने उनको भी 15,000 की सहायता रेड क्रॉस से दी। इसके अलावा और भी जो दूसरी मेडिकल फैसिलिटीज़ या जो मेडिकल मदद होती है वो कराएंगे और अन्य जो भी आर्थिक सहायता है उसको हम पूर्ण कराने का। जिला चिकित्सालय की व्यवस्था बेपटरी तो है ही, वहीं अस्पताल का अमला भी बेपरवाह है, जिसका खामियाजा मरीज भुगत रहे हैं। गत दिनों अपर कलेक्टर ने भी आकस्मिक निरीक्षण कर लापरवाही पर लताड़ लगाई थी। राम भरोसे चल रहे इस अस्पताल की इन तस्वीरों से लापरवाही का आलम देखा जा सकता है। मंगलवार सुबह ओपीडी में आरएमओ साहब की ड्यूटी थी, लेकिन डॉक्टर साहब अपने कामों में इतने व्यस्त रहे कि दोपहर 12:15 बजे तक अपनी कुर्सी पर नहीं बैठे। अस्पताल में लगी मरीजों की भीड़ प्रशिक्षु जूनियर डॉक्टरों के हवाले ही रही। आरएमओ साहब मरीजों को देखने ओपीडी में 12:30 बजे पहुंचे। सरकार उपचार पर मोटा आवंटन खर्च करता है, लेकिन मरीजों को दवाइयां नहीं मिल रही है। डॉक्टर दो तरह की मेडिसिन लिखते हैं, लेकिन एक तरह की ही दी जा रही है। जिन मरीजों को 7 दिन की दवा देनी है उन्हें 5 दिन की ही दी गई। सुनिए क्या कहते हैं मरीज। कहाँ से आयो? नहीं सर। अभी आपको डॉक्टर साहब ने कितने दिन की दवाई लिखी गई थी और अब आपने कितने दिन की दवाई दी गई? 7 दिन की दवाई लिखी है, खाओ आराम पड़ जाए तो ठीक है, फिर वापस आना। हाँ वापस आना, 7 दिन में आराम पड़ जाए तो ठीक है, तो वापस आना। अभी आपको कितने दिन की दवाई दी गई है? 5 दिन की दी है। अस्पताल में वार्ड से लेकर पोर्च तक के पंखे बंद पड़े हैं और मरीज गर्मी से बेचैन हैं। जिला अस्पताल के वार्ड बॉय भी सिर्फ ड्यूटी के नाम पर घूमने आते हैं। सिविल ड्रेस में आने वाले वार्ड बॉय अपनी पहचान छिपाते हैं, जिससे काम नहीं करना पड़े। पूरे अस्पताल परिसर में निजी हॉस्पिटल के एम्बुलेंस की पार्किंग बना रखी है, जो आए दिन मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। इतना ही नहीं, ऑटो चालकों ने भी यहाँ अघोषित पार्किंग बना रखी है, जो अपने नंबरों के लिए लड़ते रहते हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन चुप्पी साधे रहता है।
क्योंकि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू किए गए विकास कार्य लापरवाही का शिकार होकर ठप पड़े हैं। जनपद पंचायत पिपलोदा के करीब 22 सरपंच मंगलवार को कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी से उनके कक्ष में जाकर मिले। सरपंचों ने ठप पड़ी योजनाओं की जानकारी कलेक्टर को दी। कलेक्टर ने मुख्य समस्याओं का तत्काल निराकरण करने के लिए हर गांव के अलग अलग निर्माण कार्य सहित योजनाओं की लिखित जानकारी मांगी। सरपंच ने बताया, हम सब सरपंच लोग ग्राम जनपद पंचायत पिपलोदा से एकत्रित हुए और यहाँ हमारी मुख्य समस्या जो थी उसको अवगत कलेक्टर साहब को करवाया है। जो मुख्य समस्या थी, एक ग्राम पंचायत में मोहरम के लिए परमिशन को सरलीकरण किया जाए और ग्रेवल जो अब तक स्वीकृत नहीं है उसको बारिश का समय आने वाला है और जल्द से जल्द ग्राम पंचायत को आदेश दिया जाए ताकि समय पर बनाया जा सके। और जो आवास प्रधानमंत्री आवास जो थे वो पेंडिंग पड़े हैं और उनके आवास का लक्ष्य दिया जाए ताकि बारिश के समय जो मकान गिरा के बनाता है तो वो रहने के कब रहेगा। और जो ग्राम पंचायत की और मुख्य समस्या रही है कि जैसे कि ग्राम पंचायत में जो आबादी क्षेत्र उसको नोयत परिवर्तन करा के उनको पट्टे आवंटन करना, नरेगा के द्वारा पक्के नाले निर्माण बनाने की अनुमति प्रदान करें। कलेक्टर सर ने क्या आश्वासन दिया आपको? अभी हम सभी को कहा है कि जो मुख्य समस्या है, जो बड़ी समस्या है, हम ऊपर प्रेषित कर रहे हैं और जो समस्या आपको विधिवत ग्राम पंचायत से संबंधित है वो हमें लिखित में सभी सरपंच अपने अपने ग्राम पंचायत के लेटर या कुछ कागज़ के माध्यम से हमें दे दे। इसलिए हम 20 से 22 सरपंच अभी जनपद से आए हैं। नल जल योजना के लिए भी आपने कुछ समस्या बताई है? हाँ, नल जल समस्या जहाँ पर काम पेंडिंग पड़े हैं उनको यथाशीघ्र पूरे किए जाए और जहाँ स्वीकृति है वहाँ काम चालू किया जाए। शहर कांग्रेस द्वारा टैंकर रोड निवासी गरीब मजदूर परिवारों के आवासीय पट्टों व दर्ज हुए मुकदमे के संदर्भ में कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया गया। कलेक्टर कार्यालय पहुँचे कांग्रेस नेताओं ने कहा, टैंकर रोड पर वर्षों से निवास कर रहे परिवारों द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की घोषणा की जो जहां रह रहा है उसे वहीं रहने का अधिकार दिया जाएगा सुनकर निरंतर आवेदन दे रहे थे, किंतु अधिकारियों के तानाशाही रवैये के कारण परेशान हो रहे हैं। ये रहवासी 19 मई 2023 को कलेक्टर कार्यालय मिलने पहुंचे, तब पटवारी द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, तभी मजबूरन इन गरीब परिवारों द्वारा कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान उपस्थित पुरुष अधिकारियों व पुलिस कर्मियों द्वारा महिलाओं के साथ धक्का मुक्की कर अभद्र व्यवहार किया गया। उसके उपरांत भी इन गरीब परिवारों पर प्रकरण दर्ज किया गया। प्रदेश के मुखिया लाड़ली बहनों को लाभान्वित करने की बात कर रहे हैं और रतलाम के अधिकारी इन लाड़ली बहनों के साथ दुर्व्यवहार कर योजनाओं से वंचित कर रहे हैं। उक्त मामले को लेकर शहर कांग्रेस ने ज्ञापन देते हुए कहा, यदि गरीब परिवारों पर हुए दर्ज मुकदमे को शीघ्र वापस नहीं लिया गया तथा इन्हें पट्टे नहीं दिए गए तो शहर कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। कलेक्टर के नाम दिया गया ज्ञापन तहसीलदार ऋषभ ठाकुर ने लिया। उक्त ज्ञापन में शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, नेता प्रतिपक्ष शांतिलाल वर्मा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष मयंक जाट, उप नेता प्रतिपक्ष कमरुद्दीन कछुआ, हितेश पेमाल के साथ टैंकर रोड निवासी सैकड़ों महिलाएं व पुरुष उपस्थित थे। आप देख रहे हैं अंबर टाइम। वेलकम टू सम्यक रेसिडेंसी। अब आपको मिलेगी किराए के घर से आजादी, पूर्ण रूप से सुरक्षित कैंपस, साथ ही सीसीटीवी कैमरे की सुविधा, फ्री कवर्ड पार्किंग सभी के लिए। यहाँ मिलेंगे आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन गार्डन्स, फिटनेस के लिए जिम फैसिलिटी, भक्ति भाव के लिए मंदिर, आधुनिक क्लब हाउस और काफी अट्रैक्टिव लॉबी। यहाँ मिलेगी हर ब्लॉक में लिफ्ट की सुविधा।
अभी बुक करें अपना खुद का घर विशेष सुविधाओं के साथ। अपने फ्लैट और लोन सेवाओं के लिए कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज के श्री जोसेफ फर्नांडिस से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 07412356268 6263791851 एवं विकी पिपाड़ा मोबाइल नंबर 9009002575। हमारा पता 21 कोठारी मार्केट 2 बत्ती रतलाम।